हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एमएल चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव वायर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एमएल चौधरी सीके राजस्थान से एसएससी और बैंकिंग के लिए पिछले 6 से 7 साल से समर्पित हूं। बहुत सारे स्टूडेंट की मैंने ये पीड़ा देखी है। बार बार उनका ये दावा रहता है कि सर, बहुत बार प्रैक्टिस चैट लगाने के बाद और 3 से 4 महीने हो गए हैं, अभी तक स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। उनको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अकेले द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको द हिंदू एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, अकेले द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से या अकेले ग्रामर पोर्शन से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको इन दोनों के बीच एक बैलेंस रखना पड़ेगा। और अगर ये बैलेंस रखना है तो पहले 1 से 1.5 महीने में पूरे ग्रामर को सिस्टमेटिक वे में कम्प्लीट करना पड़ेगा। यानी ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपका कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो। दोस्तों, मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, कनेक्टर्स, जिसको आगे मैं मोड़ दूंगा कंजंक्शंस में। वो आपको 7 से 8 वीडियो सीरीज में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी पार्ट्स इसके रहेंगे उनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ एक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको न केवल इस चैप्टर के पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मिलेगा वहाँ एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और उसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप मात्र 8 से 9 क्लासेस, जो लगभग 30 मिनट्स का एक वीडियो लेक्चर रहेगा, उसमें आप पूरा एक कंजक्शन का टॉपिक है वो 4 से 4.5 घंटे में पूरा निपटा सकते हो। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितने भी टॉपिक्स दूँ वो पूरे दूँ। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल SU ट्यूटोरियल्स, वहाँ आपको वोकैब के बहुत सारे बेहतरीन सेशंस मिल रहे हैं, वहाँ से आप वोकैब कर सकते हैं। आइए जरा आज स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक कनेक्टर्स। देखो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसके नींव में जाना जरूरी है। मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके लिए, मैंने कहा द पुलिस अरेस्टेड माय फादर। मेरा सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड माय फादर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सी वॉज हैप्पी। आप भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इतने सिंपल सेंटेंस क्यों लिख रहा हूँ। जरा देखिए, मैंने आपके लिए 2 सेंटेंस लिखे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, तो ग्रामर की भाषा में ये कंप्लीट सेंटेंस है। सी वॉज हैप्पी, ये सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया। ग्रामर की भाषा में ये वाला सेंटेंस भी पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी सेंटेंस की, तो मैं उसे 2 एस्पेक्ट्स पर तोलूंगा। पहला मैं देखूंगा उसका स्ट्रक्चर और उसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा देखूंगा मैं उसका मीनिंग। दोस्तों, मैं दोनों ही सेंटेंस की बात करूं तो पहले सेंटेंस का ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या पुलिस ने मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया, क्या ये एक अपने आप में पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है? क्या एक ऐसा सेंटेंस है जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है? क्यों गिरफ्तार किया, कहाँ गिरफ्तार किया, कब गिरफ्तार किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें अधूरी हैं। यानी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो कंप्लीट रहा, लेकिन मीनिंग इसका पूरा कन्वे नहीं हो रहा है। जरा देखिए, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा सी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। खुश थी, क्यों खुश थी, किस लिए खुश थी, क्या रीजन रहा होगा? सेंटेंस ग्रामेटिकली तो इस बार फिर पूरा है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं निकल पा रहा है। यानी अपने को यहाँ कुछ शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस, एक क्लोज, एक फ्रेज और जोड़नी पड़ेगी इस सेंटेंस में भी, इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए क्लोज, या फिर मैं कहूँ एक कंजक्शन या कनेक्टर्स के सहारे एक और दूसरा सेंटेंस या फ्रेज जोड़नी पड़ेगी। यानी जरूरत कहाँ पड़ती है कनेक्टर्स की? जब किसी भी सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं निकले तो हमें उसको जोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी कनेक्टर्स की। अब जरा देखो ये कनेक्टर्स होते क्या हैं। मैं यहां ले लेता हूं कि ये कनेक्टर्स क्या है। देखो दोस्तों, मैं आपके सामने ही सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने जा रहा हूं, आप वहां से कनेक्टर्स ढूंढिए। मैंने लिखा सी वॉज हैप्पी बिकॉज सी स्कोर्ड फुल मार्क्स इन फिजिक्स। वो इसलिए हैप्पी थी कि उसने फिजिक्स में फुल मार्क्स स्कोर किए।
यानी मैंने यहां इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर काम में लिया दोस्तों, जो आपका क्या है, बिकज। यहां मैंने कनेक्टर काम में लिया दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जो क्या लिखा है, बिकज। इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिख सकता हूं और वहां से एक कॉन्सेप्ट निकाल कर लाएंगे अपन। मैंने लिखा सी वॉज हैप्पी बिकॉज ऑफ ए फुल मार्क्स इन ए फिजिक्स। दोस्तों देखिए एक बात जरा, पहले सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया बिकॉज से और यहां दूसरे सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया बिकॉज ऑफ से। यहां कनेक्टर बिकॉज है, यहां बिकॉज ऑफ है, यानी यहां का कनेक्टर और यहां का कनेक्टर जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। इस वाले कनेक्टर को कहा जाता है कंजंक्शन। क्या कहा मैंने, कंजंक्शन। और ये वाला कनेक्टर कहलाता है आपका प्रेपोजिशन। यानी यहां से मुझे ये समझ आया कि कनेक्टर्स या तो हो सकते हैं आपके कंजंक्शंस या फिर हो सकते हैं आपके प्रेपोजिशंस। अब जरा मुझे ये बताइए कि कंजंक्शन कब काम में लेना है और प्रेपोजिशन कब काम में लेना है। यहीं से निकलेगा। देखो आप देख रहे हो यहां कंजंक्शन के बाद लिखी गई है एक प्रिंसिपल वर्ब, जिसको आप मेन वर्ब भी कह सकते हो कहीं ना कहीं। कंजंक्शन के बाद लिखी हुई है प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में एक सेंटेंस के बाद दूसरा जो सेंटेंस या क्लोज लिखा जाए उसमें लिखी जाए प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, तो उसको कहेंगे अपन ने क्लोज। और अगर उसके बाद लिखी जाए केवल कोई फ्रेज, अगर लिखी जाए केवल कोई फ्रेज, फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो दोस्तों फिर मैं बता देता हूं आपको कि क्लोज और एक फ्रेज में क्या डिफरेंस रहता है। क्लोज में खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की मेन वर्ब होती है। जरा गौर फरमाना, मैं अगर किसी भी वर्ड को क्लोज, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लोज कहूं, यानी उसमें आवश्यक रूप से सब्जेक्ट मिलेगा और आवश्यक रूप से प्रिंसिपल वर्ब मिलेगी। यानी सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब को अगर जोड़ना है तो वो क्लोज हुआ, और क्लोज जुड़ेगा हमेशा कंजंक्शन से, जबकि प्रेपोजिशन के बाद मिलेगी आपको एक फ्रेज। यानी अगर आपको कोई फ्रेज जोड़नी है तो आप जोड़िए किसे, प्रेपोजिशन से। यानी कंजंक्शन के बाद आएगा एक क्लोज, जबकि प्रेपोजिशन के बाद आएगा एक फ्रेज। दोस्तों क्या कुछ और वर्ड्स हो सकते हैं? देखो मेरा जो टॉपिक रहेगा वो पूरा का पूरा कंजंक्शंस रहेगा। अभी अगली स्लाइड से मैं स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक कंजंक्शंस, पहले थोड़ा बेस देखते हैं उसका। उसके बाद क्या कुछ और चीजें ऐसी होती हैं जो सेंटेंस में जोड़ने के काम आ सकती हैं? जरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से समझते हैं। मैंने कहा दिस इज द हाउस ए दैट माय फादर बिल्ट। मैं कहूं कि ये वो घर है जो मेरे पिताजी ने बनाया था। देखो जरा मैंने लिखा दिस इज द हाउस, ये वो घर है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं हुआ, ग्रामेटिकली ये कंप्लीट है, मीनिंग पूरा नहीं आ रहा। अब मुझे बताना है कौन सा हाउस, तो द हाउस को मुझे रिलेट करना पड़ा और उस हाउस के बारे में मैंने बताया माय फादर बिल्ट। ये हुआ रिलेटिव क्लोज। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए कोई क्लोज लिखा जाए तो उसको कह दिया जाता है रिलेटिव क्लोज। अगर ये आपका रिलेटिव क्लोज है तो यहां लिखा वर्ड कहलाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां दैट काम कर रहा है आरपी, या मैं लिख दूं इसको रिलेटिव प्रोनाउन का। यानी एक कंजंक्शन के अलावा एक रिलेटिव प्रोनाउन भी काम कर सकता है, किसका, कनेक्टर्स का। यहां से तीसरा वर्ड निकल कर आया आपके लिए और वो हुआ आपका आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं जो सेंटेंस में जोड़ने के काम आ सकते हैं? तो आइए जरा एक सेंटेंस और देखते हैं, यहां नीचे तक आ जाएगा। मैं यहां लेता हूं सेंटेंस, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस। जरा मैंने लिखा दिस इज द प्लेस
ही वॉज मर्डर्ड, मैंने लिखा यह वो जगह है जहां उसका मर्डर हुआ था, यानी इस बार मैंने द प्लेस के बारे में आगे कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहा है, आगे दूसरा सेंटेंस या क्लोज जोड़ना चाहा है। ऐसी परिस्थिति में जहां दिस इज द प्लेस वेयर, जब भी मुझे वेयर का आंसर देना हो, व्हेन का आंसर देना हो, व्हाई का आंसर देना हो, तो फंक्शनल ग्रामर में इनका आंसर होता है एक एडवर्ब। यानी ये जो वेयर है, जगह जो बताएंगे वो होगा एडवर्ब। ये क्लोज हुआ और इसको बोलेंगे आप एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स। इसको क्या बोलेंगे आप रिलेटिव एडवर्ब्स। यानी जो चौथा आपका कंजक्शन निकल कर आता है वो हो जाता है आपका रिलेटिव एडवर्ब्स। दोस्तों यहां से आपको ये चीज समझ आई होगी, मैं आपको अभी बताऊंगा दो क्वेश्चंस बैक के आपको क्रैक करके दूंगा और वहां से मैं बताऊंगा कि मैंने ये इतनी दुनियादारी क्यों डिस्कस की है। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कनेक्टर्स या तो कंजक्शंस हो सकते हैं, कंजक्शंस हुए तो उनके बाद क्लोज मिलेगा, या फिर वो प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस के बाद फ्रेज मिलेगा, या वो रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं जहां नाउन या प्रोनाउन को एक क्लोज से रिलेट किया जाएगा, या फिर वो हो सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स जहां एक रिलेटिव एडवर्ब्स में एडवर्ब के बारे में आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती हैं। दोस्तों अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो तो मैं आपको कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है कनेक्टर के दो मुख्य टाइप, कंजंक्शंस में और प्रेपोजिशंस में। किस तरह सेम अर्थ में कंजक्शंस भी प्रयुक्त हो सकते हैं और किस तरह प्रेपोजिशंस भी प्रयुक्त हो सकते हैं और क्या इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, आइए देखते हैं। देखो बच्चे, अभी अभी मैंने बात की कि अगर आपको कंजक्शन से जोड़ना है तो कंजक्शन के बाद आपको क्लोज मिलेगा, और अगर आपको जोड़ना है प्रेपोजिशन से तो उसके बाद आपको मिलेगा एक फ्रेज जिसका खुद का अपना प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता है, वो केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखो जरा इधर आइए, मैंने लिखा वी ऑल वर्क हार्ड वी मे लिव हैप्पीली, दो सेंटेंस लिखे मैंने कि हम सब मेहनत करते हैं ताकि हम हंसी खुशी रह सकें। एक बार मैंने कहा इसको आप जोड़िए सो एज टू से, और एक बार मैंने कहा इसको इन ऑर्डर टू से जोड़िए, या फिर इसको सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़िए। देखो दोनों का मीनिंग सेम होता है, सो दैट और इन ऑर्डर दैट का ताकि होता है अर्थ, सो एज टू और इन ऑर्डर टू का अर्थ भी वही होता है। अब जरा आप देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, अगर आप इनका डिफरेंस नहीं पहचान पाओगे तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आगे देखिए जरा, पहले यहां आ जाइए जरा थोड़ा सा, देखो जरा ये तो है इधर वाला जो लिखा है मैंने प्रेपोजिशन, और इनका सेम अर्थ देने वाले इधर लिख दिए हैं मैंने कंजक्शंस। देखो जरा अगर आप लिखते हो इन केस ऑफ तो ये प्रेपोजिशन है, यानी इसके बाद एक फ्रेज आएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखोगे, एक फ्रेज। जबकि अगर आप लिखो इन केस तो ये कंजक्शन है, यानी इसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, एक क्लोज देना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप कहो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, दोनों का अर्थ होता है नॉट विद स्टैंडिंग, के बावजूद। जरा थोड़ा ध्यान से देखना, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है जबकि इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाना पड़ेगा, लेकिन है दोनों की दोनों ही क्या, प्रेपोजिशंस। अब देखो जरा आगे देखिए, मैंने कहा दो, ऑल्दो एंड इवन दो, ये तीनों के तीनों होते हैं कंजंक्शंस, इनके बाद आएगा क्लोज। वैसे ही ये आपका बिकॉज, ऑफ और ओविंग टू, ये दोनों हुई प्रेपोजिशंस, जबकि बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। सिंस और एज, ये भी दोनों आपके कंजक्शंस हैं। आगे देखिए विदाउट लिखा है मैंने, विदाउट प्रेपोजिशन होता है, विदाउट की जगह कंजक्शन यूज करना पड़ेगा अनलेस। सो एज टू आपका प्रेपोजिशन होता है, इन ऑर्डर टू भी आपका होता है प्रेपोजिशन, सो दैट और इन ऑर्डर दैट होता है आपका कंजक्शन। तो जरा पहले इनको पहचानिए, ये क्या है, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, ये हुई आपकी प्रेपोजिशन, सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये हुआ आपका कंजक्शन। समझ आ रही है बात, जरा जोड़ना स्टार्ट कीजिए, बोलिए मेरे साथ, वी ऑल वर्क हार्ड, पहले मुझे जोड़ना है सो एज टू या इन ऑर्डर टू से, तो मैं लिखूंगा सो एज टू या इन ऑर्डर टू, ये हुई प्रेपोजिशन इन ऑर्डर टू। अब जरा ध्यान रखिए, सो एज टू या इन ऑर्डर टू ऐसी प्रेपोजिशंस हैं, ये ऐसी प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं जिनके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो क्या लिखोगे, इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली,
इस बार मैंने किससे जोड़ दिया, ये प्रेपोजिशन से, ये प्रेपोजिशन से जोड़ा। तो इसके बाद यहां क्या लिखा मैंने, यहां क्या लिखा मैंने, ये प्रेपोजिशन के बाद, देखो आप इसको क्लॉज नहीं कहेंगे, क्लॉज वो होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रिंसिपल वर्ब होता है। आप इसको प्रिंसिपल वर्ब समझ रहे हो, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इन ऑर्डर टू लिव हैप्पीली, यानी ये क्या है अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज हुई, इन ऑर्डर टू से जोड़ दिया। अब आइए जरा दूसरा इसको कंजंक्शन से जोड़ते हैं, जोड़कर लिखते हैं। मैंने लिखा वी ऑल वर्क हार्ड सो दैट और इन ऑर्डर दैट, ये हुआ आपका कंजंक्शन, और कंजंक्शन हुआ तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, पहले सब्जेक्ट दीजिए फिर वर्ब दीजिए। जी वी मे लिव हैप्पीली, गेटिंग कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। यही ध्यान रखना है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकालूंगा अभी बैंक के, बैंक पीओ एग्जामिनेशन के, बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चंस निकालूंगा, वहां से आपको पता चलेगा कंसेप्ट कितना दमदार है। सो दैट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव हैप्पीली, ये पूरा का पूरा क्लोज हुआ, क्लोज हुआ तो मुझे देना पड़ा यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं इस बारे कंजंक्शन। ठीक बात है जी, इसी तरह से इस सेंटेंस को लिखने की ट्राई कीजिए। लिखो जरा, देखो जरा, दो कैसा कंजंक्शन है, रीजन बताने वाला कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन बताता है। मैंने लिखा दो, भले दो लिख दो, भले ऑल दो लिख दो, भले इवन दो लिख दो, तीनों लिख सकते हो आप यहाँ पे, दो ऑल दो इवन दो, सी इज रिच। फिर देखो आपने पढ़ा है दो और ऑल दो के साथ येट का प्रयोग करते हैं मॉडर्न ग्रामर में, येट आजकल अवॉइड किया जाता है, सीधा केवल कोमा का प्रयोग कर लिया जाता है। दो सी इज रिच, सी डजंट हेल्प धनीडी, धनीडी यानी गरीब या जो जरूरतमंद है उनकी सहायता नहीं करती, सी डजंट हेल्प धनीडी। ठीक है, यहां मैंने जोड़ दिया कंजंक्शन से, कंजंक्शन जोड़ा तो ये पूरा का पूरा क्लोज ऐसे कैसे लिखने पड़ गया। अब इस बार मैं जोड़ूंगा इन्हीं के सेम अर्थ देने वाले दो प्रेपोजिशन, डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ से। जरा मैंने लिखा, या तो लिख दीजिए आप इंस्पाइट ऑफ, अगर इंस्पाइट लिखते हो तो इसके बाद ऑफ लगाइए, अगर आप डिस्पाइट लिखते हो तो इसके बाद आपको किसी भी तरह की प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, अब जरा क्या लिखोगे, इसका नाउन फ्रेज बनाइए, आप कैसे बनाओगे इसको, फ्रेज में बनाइए कैसे बनाओगे। देखो इसको इस तरह से बनेगा, उसकी अमीरी के बावजूद, उसकी अमीरी को क्या कह देंगे, हर रिचनेस, क्या कहा मैंने, हर रिचनेस, इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट हर रिचनेस सी, फिर वो क्या नहीं कर पाई, उसकी अमीरी के बावजूद भी वो क्या नहीं कर पाई, गरीबों की सहायता नहीं कर पाई, तो सीधे आगे लिख दीजिए सी डजंट हेल्प द नीडी। ठीक बात है, यहां आपने किससे जोड़ा है, एक प्रेपोजिशन से, और अगर प्रेपोजिशन से जोड़ा है तो आगे क्या लिखोगे, केवल आप एक फ्रेज लिख सकते हो। इसको एक और तरीका होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस वाले फैक्टर को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट हर बींग रिच, ये लो जी बींग रिच, यहां आपका हर रिचनेस को रिप्लेस कर देगा, डिस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट ऑफ हर बींग रिच, यानी इंस्पाइट ऑफ हर बींग रिच यानी उसके अमीर होने के बावजूद भी, और या डिस्पाइट हर बींग रिच उसके अमीर होने के बावजूद भी। मेरा देखो दोस्तों यहां से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, आप उस बात तक पहुंचिए। मैं लिख रहा हूं इन केस ऑफ, जहां प्रेपोजिशन है, इन केस उसका कंजक्शन है, डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशंस हैं, ये इनका कंजक्शंस हैं, प्रेपोजिशंस के बाद आपको फ्रेज लिखना है, कंजक्शंस के बाद आपको लिखना है क्लोज। अब जरा इस रूल का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, कहां इस रूल को अप्लाई करना है, और उसके लिए मैं लूंगा आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स। आइए जरा देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। देखो जरा मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आपको आइडेंटिफाई करना है सही है या गलत है। मैंने कहा माय फादर डिडंट लिव ड्रिंकिंग डिस्पाइट द डॉक्टर हैड वार्न्ड हिम।
भैया डॉक्टर ने पिताजी को चेता दिया था कि आपका लीवर जा सकता है, उसके बावजूद भी मेरे पिता ने शराब पीना नहीं छोड़ा। देखो जरा सेंटेंस सही है या गलत, थोड़ा एनालाइज कीजिए। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ जो जिरेंड के रूप में है, नाउन के रूप में। आगे चलिए, क्या नहीं छोड़ा, पीना नहीं छोड़ा, के बावजूद, किसके बावजूद, डॉक्टर ने उनको चेतावनी दी थी उसके बावजूद। यहां लिखा हुआ डिस्पाइट क्या है जी, आप जानते हो डिस्पाइट तो क्या होता है, कंजक्शन नहीं एक प्रेपोजिशन होता है। और अगर आप किसी भी चीज को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो उसके बाद क्या आने वाले क्लोज हो सकते हैं जिसमें खुद का सब्जेक्ट भी पड़ा हो और खुद की वर्ब भी पड़ी हो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब पड़ा है तो ये क्लोज हुआ, और क्लोज हुआ तो क्या हम प्रेपोजिशन काम में ले सकते हैं या अपने को लेनी पड़ेगी एक कंजक्शन काम में। सही फरमाया आपने, हमें लेनी पड़ेगी एक कंजक्शन काम में। और कंजक्शन डिस्पाइट का अर्थ देने वाला कंजक्शन होता है दो, ऑल दो और इवन दो। यहां इसकी जगह अपन क्या लिखना पसंद करेंगे, दो। अगर आपकी जिद हो जाती है कि सर हमें तो डिस्पाइट ही रखना है, आप भले ही आगे चेंज कर लीजिए, अगर मुझे आपको डिस्पाइट रखना है तो इसको क्लोज नहीं रख सकते, फ्रेज बनाइए। जरा देखो कैसे बनाएंगे इसको फ्रेज। अगर आप अड़ जाएं कि मैं तो सर डिस्पाइट ही रखूंगा, डिस्पाइट डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद, डिस्पाइट द डॉक्टर, डॉक्टर का डॉक्टर्स वार्निंग, ये लो जी ऐसे लिख दीजिए आप इसको, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, माय फादर डिडंट लीव ड्रिंकिंग दो द डॉक्टर हैड वॉर्न्ड हिम, या फिर डिस्पाइट द डॉक्टर्स वार्निंग। ये यहां डिस्पाइट द डॉक्टर्स वार्निंग, ये हुआ आपका फ्रेज, क्योंकि इसमें न तो है कोई सब्जेक्ट और न ही कोई मिल रही है आपको प्रिंसिपल वर्ब। अगर आपको केवल फ्रेज मिले तो आप जोड़ देंगे किससे भाई, प्रेपोजिशन से। ठीक है जी, एक एग्जांपल और लिखूं, बात अगर समझ आ जाए तो फिर आपके लिए लिखूंगा एक बैंक पीओ लेवल के दो एग्जांपल्स, अगर आप उनको कर पाए तो फिर समझ लीजिए कि यहां से आपको टॉपिक है वो मैं पूरा डिलीवर कर पाया। आइए जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा सी वॉन्ट गो देयर, वो वहां नहीं जाएगी विदाउट यू अलाउ हिम, अगर आप उसको अलाउ नहीं कर देते तो वो वहां नहीं जाएगी। बोलो जरा सही लिखा है या गलत लिखा है। आपने यहां देखा कि यहां तो भैया सब्जेक्ट भी पड़ा है, यहां तो प्रिंसिपल वर्ब भी पड़ी है, यानी ये तो बाबा क्या हुआ आपका क्लॉज। और अगर ये क्लॉज है तो क्या आप यहां कोई सो कॉल्ड प्रेपोजिशन काम में ले सकते हैं, जी नहीं। प्रेपोजिशन के बाद तो रखना होता है आपको एक फ्रेज, यानी कहीं ना कहीं सेंटेंस आपका यहां रॉन्ग है। अब मैंने फिर कहा आपको किसी भी सेंटेंस को सुधारने के दो तरीके होते हैं, जब तक आपके पास हार्ड एंड फास्ट उसको बार्स में नहीं डाला जाता है इस तरह से, तब तक आप इसको दो तरह से ठीक कर सकते हो। या तो आप इस प्रेपोजिशन को कंजक्शन बना दो। चलो जी, अगर इसको कंजक्शन बनाएंगे तो विदाउट की जगह क्या कंजक्शन काम में लेते हैं, दैट इज अनलेस। तो यहां आपको इस विदाउट को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा अनलेस। अगर आप जिद पे अड़ो कि सर मुझे तो विदाउट ही चाहिए, तो फिर आगे फ्रेज लीजिए ना भैया, तुम्हारी विदाउट यू अलाउ हिम, यानी तुम्हारी इजाजत के बिना क्या लिख दोगे, विदाउट योर परमिशन। फ्रेंड्स समझ आया होगा आपको एक क्लॉज और एक फ्रेज का डिफरेंस, समझ आया होगा कि अगर आया क्लॉज तो लगाना पड़ेगा पीछे कंजक्शंस, और अगर आई आपकी फ्रेज तो लगाना पड़ेगा पीछे प्रेपोजिशंस। साथ ही साथ आपको यह भी समझ आया होगा कि इधर लिखे हुए सारे के सारे वर्ड प्रेपोजिशंस हैं और इधर लिखे हुए सारे के सारे वर्ड कंजक्शंस हैं। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, बात करेंगे इस सेशन के तुरंत बाद, और वहां से आपका टॉपिक सिस्टमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैंने डाली है थोड़ी सी नींव, आइए अब देखते हैं बैंक पीओ लेवल के दो एग्जामिनेशन जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे और अपन उनको क्रैक करते हैं। तो बच्चे दो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे, आप जरा वीडियो को रोक लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए इनको करने की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, रोक के कीजिए और देखिए कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अपन ने अब तक पढ़ा है। आइए जरा देखिए, आ जाइए, देखो जरा द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
they lost the match because neglected by the coach's valuable advice. Coach ki valuable advice ko unhone neglect kiya aur isliye kya hua, wo log hain wo match haar gaye. Ab zara dekho, yahan underline kiya gaya hai word neglected by ko. देखो एग्जामिनर आपको किस तरह से ग्रामर से हटाकर ले जाना चाहता है कुछ कोलोकेशंस की तरफ और कुछ वर्ड्स की तरफ. देखो कुछ जगह नेग्लेक्टेड लिखा है, कुछ जगह इग्नोरिंग और इग्नोर्ड लिखा है, ऑफ नेग्लेक्टिंग. आप बहाव में बह जाते हैं और सोचते हैं डिफरेंस यहां कर रहे होते हैं कि नेग्लेक्टेड आएगा या इग्नोर्ड आएगा, नेग्लेक्टिंग आएगा या इग्नोरिंग आएगा. आपका जो डाइवर्ट है, ध्यान है, वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाता है नेग्लेक्ट और इग्नोर के बीच, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. अगर आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं तो इस तरह की दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी आपको. देखो जरा, सबसे पहले आपने देखा ये वर्ड बिकज अंडरलाइन नहीं है, इसके बाद लिखा हुआ नेग्लेक्टेड बाय अंडरलाइन है, यानी बिकज तो रहेगा. अगर बिकज रहेगा तो बिकज को आपको पता होना चाहिए क्या है, कंजक्शन है. क्या है जरा, कंजक्शन है. अगर बिकज कंजक्शन है तो उसके बाद एक क्लोज चाहिए, और क्लोज में पहले चाहिए आपको सब्जेक्ट और उसके बाद चाहिए प्रिंसिपल है वर्ब. उठा के देखिए सारे ऑप्शंस में से कहां सब्जेक्ट और वर्ब हैं, जरा ये रहा. और कुछ आप में से कूद के पढ़ेंगे, इतना ही कंसेप्ट आता है, उनको डी पे लगा देंगे. लेकिन जरा इस सेंटेंस को फिर से देखिए, बिकॉज दे नेग्लेक्टेड, अगर ये होता और इसके साथ बाई नहीं होता तो ये सही ऑप्शन होता. दे नेग्लेक्टेड, उन्होंने नेग्लेक्ट किया. क्या नेग्लेक्ट किया, कोच की वैल्यूएबल एडवाइस, और ये सही होता सबसे पहला आपका डी ऑप्शन. लेकिन देखो दे नेग्लेक्टेड बाई, ये तो पैसिव स्ट्रक्चर बन गया ना भाई, दे नेग्लेक्टेड बाई और पैसिव भी नहीं रहा, यानी ये यहां बाई सुपरफ्लस हो रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा. और जैसे ही इस ऑप्शन से ये आपका ऑप्शन गलत हुआ, आपके सपने फिर टूटे एक बार, और आपने कहा डी आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहां बाई एक्स्ट्रा है. फिर आपने कहा भैया आप कंजक्शन से काम तो चलने वाला नहीं है, इसका तो एक ही स्ट्रक्चर था, इसको बनाना पड़ेगा प्रेपोजिशन. क्या बनाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन. सीधी सी बात है, इसको प्रेपोजिशन बनाना पड़ेगा क्योंकि आगे फ्रेज है भाई, फिर सब्जेक्ट वर्ब का कोई लफड़ा नहीं रहा. ठीक है जी, अब अगर देखो, अगर ये प्रेपोजिशन बनी तो आगे इसके ऑफ लगना चाहिए, तो यहां ऑफ नहीं है, यहां ऑफ नहीं है, और यहां भी ऑफ नहीं है, तीन कट गए, अपने आप आंसर निकल कर आता है. अगर आपके कॉन्सेप्ट हैं, फिर कहता हूं बच्चे नहीं काम चलेगा अकेले किसी भी एडिटोरियल से, आपको ग्रामर के बहुत बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए. क्या हो जाएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो कुछ भी नहीं देखना पड़ा आपको. आपने देखा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद बिकज को प्रेपोजिशन बनाने के लिए बिकज ऑफ लिखना पड़ेगा, अरे बाबा एक में ही तो है, और प्रेपोजिशन के बाद ये फ्रेज बना बिकॉज ऑफ नेग्लेक्टिंग द कॉज से वैल्यूएबल एडवाइस. ठीक है जी, आगे आ जाए जरा, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. व्हेन ही फेल डाउन इन डिच, वो जब गिर गया किसमें, डिच में. ही शाउटेड विद ऑल हिज माइट, तो वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया. क्यों चिल्लाया भाई, सो दैट टू कैच समवन्स अटेंशन. देखो ये पाला पार्ट अंडरलाइन है और इसके बाद लिखा हुआ ये क्लोज नहीं जबकि फ्रेज है. सीधी सी बात है, अगर ये फ्रेज है तो इससे पहले आने वाला वर्ड है वो प्रेपोजिशन होगा, किसी भी सूरत में कंजक्शन नहीं होगा. अब देखो एग्जामिनर ने फिर तुम्हें बांधने की तैयारी कर ली है, वो कहीं सो दैट लिख रहा है, कहीं सच दैट लिख रहा है, कहीं सोएज लिख रहा है, और आप इसी में उलझे रहेंगे. सो दैट आएगा, सच दैट आएगा, इन दोनों में से एक है, और आप कहते हो सो दैट लिखकर पूछा है तो सच दैट टू कैच. आपकी यही थ्योरी रहती है मुझे जहां तक पता है. फिर देखो जरा, आपको ये सोचना है कि यहां फ्रेज आई है तो इधर आने वाला वर्ड है वो आपका होना चाहिए प्रेपोजिशन, न कि कंजक्शन. आपने देखा सो दैट तो कंजक्शन होता है, सो दैट टू कुछ होता नहीं है. लो जी बाबा, सच दैट भी कंजक्शन होता है, काट दीजिए जरा, आ जाइए जरा, सो दैट भी प्रेपोजिशन, ओ सॉरी कंजक्शन होता है, काट दीजिए जरा, फ्रेज लिखी हुई है आगे, तो बच गए ये दो ऑप्शन. अब बताओ जरा, सो देन तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, ऐसा कुछ होता भी है क्या प्रेपोजिशन, नहीं. ये लो जी, एक ही ऑप्शन बचा है प्रेपोजिशन फ्रेज का, सो एज टू कैच. कितना इजी बन जाता है क्वेश्चन, एग्जामिनर कितना भी जोर लगा ले तुम्हें बीट नहीं कर पाएगा अगर तुम जा रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ, और अगर तुम जा रहे हो रट्टाफिकेशन और तुक्काफिकेशन के साथ, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, बनी रहिए पैरेट आप. चलो दोस्तों, ये मेरा पहला पार्ट था कंजक्शन पे,
अभी तक मैं आपको सच कहूं तो कंजक्शंस का जो बेसिक्स है वही स्टार्ट हुआ है। मैं आपको जैसे ही आप प्रैक्टिस बुक देखेंगे इस तरह के आपको वहां पीडीएफ में 5 से 10 क्वेश्चंस विद हेडिंग मिलेंगे, आप घबराएं नहीं, आपको हर पार्ट में वो सेम एक पीडीएफ मिलेगी जिसका लिंक दिया रहेगा, कुछ पे कर आप वहां उससे डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझे जरूर से बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है आपको तो मैं कंजक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए डाल ही रहा हूं। धन्यवाद, देखते रहिए लाइव वायर इन कोलैबोरेशन विद एस ट्यूटोरियल्स। मैं आपका एमएल चौधरी।